सबसे पहले तो मैं इंसान अली इवान साहब का शुक्रगुजार हूँ, हमेशा हमारी आवाज़ आला इवानों तक पहुँचाने में हमारे तारुफ करते रहे। नेशनल प्रेस क्लब का एक बड़ा हिस्सा है। मैं जनाब फखर रहमान गदर साहब का भी बेहद मशहूर हूँ, वो हमारे जनूबी पंजाब के मुलाजमीन की एक तवाना आवाज़ के तौर पर अलहमदिल्ला काफ़ी अर्सा दराज से काम कर रहे हैं। उनका खरीद खराज हकीकत भी पेश करते हैं, उनकी तशीर लाने पर उनके शुक्रगुजार भी हूँ। मैं अपने चेयरमैन असलम कुरैशी साहब को भी शुक्रगुजार हूँ कि आज मौलाना फारूक साहब का भी वर्ष डॉक्टर काल साहब का तमाम साथियों का एक आज हमने एक बड़ा कामयाब और बहुत बड़ा एतमाद जिस तरह राणा फारूक साहब ने फरमाया कि एक तारीखी एतमाद किया, तो पूरी तफसील तो बता दी फखर साहब ने भी और राणा साहब ने भी। मैं इसको थोड़ा और एंगल से देखता हूँ कि ये जो निजकारी वाला प्रोग्राम है इसका देखें, जब किसी कौम को हथियारों से फतह ना किया जा सके, उसकी सरहदों को ना पामाल किया जा सके, फिर उसके नजरियाती सरहदों में होना चाहिए। और ये अल्लाह के नाम पर रवायत हो गए कहते हैं जो इस्लाम के नाम पर बनी, किसी मजहब के नाम पर बनी, और इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत भी है और अपने पूरा फख्र भी है। तो इस जो आप अखलाकियात का तबाह करने के लिए मईशत पर तबाह कर दी थी आपके सामने, मईशत अपने एजेंटों को भेज कर ऐसे ऐसे वजीर आज़म किया है जिनका पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, उन सामने आपके सामने है जो मुल्क के साथ जो कुछ दिया गया है, इस मुल्क का और इन गरूम गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूट कर बाहर भेज दिया गया। आप ये समझ नहीं आती ना कि एक मुल्क है वो पाँचवें नंबर पे गंदम पैदा करता है, सबसे बड़ा मुल्क है और आटा लेने के लिए लाइनों में लगा हुआ है, सातवें नंबर पे काटन का बड़ा मुल्क है और उस किसान को तन पे कपड़ा नहीं है, ये समझ नहीं आती। लेकिन समझ आ भी जाती है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ किया हुआ वो जो कुवतें हैं उन्होंने अपने एजेंटों के जरिए इस मुल्क की जो हालत कर दी है, एक चीज़ को वो नहीं कर सकते, बिल्कुल वतनी इस कौम से नहीं निकाल सके और इस्लाम से जो हमारे डीएनए में एक चीज़ शामिल है वो नहीं निकाल सके। तो अब फखर रहमान गदर साहब जो शराफी है ना, जो माफिया है, उनके जो स्कूल है उनमें डॉलरों में पे अभी हमारे लोग जाते हैं, तो दिल्ली का इंग्लैंड से वो आता है लहसन गुलाम और वही पढ़ाया जाता है, उसमें इस्लाम का नाम भी दिया, बच्चियाँ जो लिबास पहन के जाती है शायद हम अपनी बेटियों के लिए बोल रहा हूँ कभी भी शायद उसको करने के लिए मुख्तलिफ एनजीओ